हेलो दोस्तों, ऑल इन्वेंट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं नीरज आर्य आज आपको बताऊंगा कि पशुओं में मलबद्धता यानी पशुओं में कब्ज की समस्या। दोस्तों, ज़्यादातर इसका कोई इलाज नहीं है, देखा गया है आमतौर पर पशुओं में इलाज नहीं देखा गया है। इसमें बहुत ही दिक्कत है, इससे पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, कामगार नहीं है कुछ। देसी नुस्खे जो हैं धीरे धीरे कार्य करते हैं, एकदम ही तेज़ी से कार्य नहीं करते, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरती जाती है। तो दोस्तों, इसमें मैं आज को बताऊंगा आपको, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, जब ये आपके समझ में आएगा। दोस्तों, कब्ज़ में जो सिम्टम्स हैं, एक तो आपका पशु जो है खाना नहीं खाएगा, मतलब चारा नहीं खाएगा। चारा नहीं खाएगा तो जुगाली नहीं करेगा, ये सिम्टम्स होते हैं कुछ। उसमें अफारे की समस्या भी होगी, गैस बनी रहेगी, हल्का सा आपको बुखार भी हो सकता, मतलब आपके पशु को बुखार भी हो सकता है, तो घबराए नहीं। सबसे पहले जो है आप जो है रिजका होता है, रिजका 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 की जो घास होती है उसको खिलाएं, वो कब्ज़ को जो है ख़त्म करता है, आंतों को साफ़ करता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और दोस्तों, एक काढ़ा और बताऊंगा, आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे, वहाँ से कहेंगे आप उससे सौंफ, बड़ी सौंफ, बड़ी सौंफ 100 ग्राम। और एक आते हैं सनाए, सनाए के पत्ते, सनाए 100 ग्राम। ये दो चीज़ आप ले आएँ, 100 100 ग्राम, 100 100 ग्राम ला के इसको आप 1 लीटर पानी में पका लें, 1 लीटर पानी में पकाएं। जब पानी आधा लीटर रह जाए तो इसे उतार लें, छान लें। छानने के बाद 250 ग्राम इसे भैंस को दे दें, ये गाय जो भी है, वो बाकी का 250 ग्राम शाम को दे दें, बाकी 250 ग्राम सुबह को दे दें। इससे जो है आपके पशु की जो है मलबद्धता जो है ठीक होगी। यदि आराम ना लगे तो यह दवाई 300 से 400 ग्राम दे सकते हैं, 500 ग्राम ना दें। और दोस्तों, जब भी ना दिक्कत हो, जब भी कोई दिक्कत हो इस तरह की, तो क्या करेंगे आप, मेडिकल स्टोर पे लूज लूज के नाम से एक लैक्सिटिव मिलता है। लैक्सिटिव मतलब रेचक, जो दस्तावर चीज़ होती है, लूज के नाम से मिलता है दस्तावर। उसमें जो है उसकी डोज जो है उस पर लिखी हुई है, उसके अनुसार जो है लूज जो है दे पशुओं को। और धीरे धीरे इसका चारा जो है, चारे में रिजके का प्रयोग करें तो आपका पशु ठीक हो सकता है, नहीं तो पशु की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें ये देखे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, रिव्यू करें। धन्यवाद।